सातवां दिन है, नरसंहार रुकने का नाम नहीं ले रहा। दोनों तरफ से लगातार मौतें हो रही हैं। फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि गाजा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1200 हो गई है, जबकि लगभग 5600 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसराइल में भी मरने वालों की संख्या 1200 है, जिसमें 220 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। 3000 से ज्यादा लोग इसराइल में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गाजा में 3,38,934 फिलिस्तीन विस्थापित हो गए हैं, क्योंकि इसराइल की विनाशकारी बमबारी रात भर जारी रही है। तो क्या मान लिया जाए कि गाजा के युद्ध में नागरिकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी की गई है? संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि भोजन, ईंधन और पानी जैसी जीवन रक्षक आपूर्ति को गाजा में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। गाजा अभी भी घेराबंदी में है और आवश्यक मानवीय आपूर्ति समाप्त हो रही है। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे हैं। ब्लिंकन का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका पहले ही इजराइल के लिए पूर्ण समर्थन की घोषणा कर चुका है। इसकी बानगी मंगलवार रात तब देखने को मिली जब अमेरिका ने गोला बारूद से भरा एक विमान इजराइल भेज दिया। इतना ही नहीं, इससे पहले भी अमेरिका अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर को इजराइल के आसपास भेज चुका है। ह्यूमन राइट्स वॉच के पूर्व प्रमुख केनेथ रोथ का कहना है कि फिलिस्तीनी नागरिकों पर अंधाधुंध और असंगत हमला युद्ध अपराध हो सकता है। व्हाइट हाउस राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस दावे से पीछे हट गया जिसमें उन्होंने सिर कटे बच्चों की तस्वीरें देखी थी। हमास की उलकामिक ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक महिला बंधक और दो बच्चों की रिहाई को दिखाया गया है। इजराइल के ताजा हवाई हमले में गाजा के खान यूनिस शहर में 9 बच्चों सहित दर्जनों लोग मारे गए हैं। गाजा के अधिकारियों का कहना है कि ईंधन की कमी के कारण क्षेत्र का एकमात्र बिजली संयंत्र बंद होने से एनक्लेव को मानवीय आपदा का सामना करना पड़ रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सशस्त्र समूह के आश्चर्यजनक हमले के बाद हमास को नष्ट करने का वादा किया है, क्योंकि उन्होंने विपक्षी नेता बेनी गेंट्स के साथ एक आपातकालीन एकता सरकार की घोषणा की है। इजरायली सेना का कहना है कि अब गाजा या दक्षिणी लेबनान से कोई भी रॉकेट हमले नहीं हो रहे हैं, तो ये वही इजरायल में हमास लड़ाकों की और घुसपैठ की संभावना जताई जा रही है। इजरायली सेना का कहना है कि वो हर एक हमास लड़ाके को मार गिराएगी जो बॉर्डर पार करने की कोशिश करेगा। जिकम के पास 3 हमास लड़ाके इजरायली सेना ने मार गिराए हैं, अब वो बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे थे। इजरायली सेना हमास लड़कों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रही है, क्योंकि हमास लड़ाकों ने बड़ी ही बेरहमी से सैकड़ों इजरायलियों को मार डाला था, रॉकेट से हमले किए थे, इजरायली लोगों का अपहरण किया था। इजरायल से गाजा पर बरस रहे बम बेहद डरावने, बेहद पागलपन वाले हैं। हमास के सशस्त्र विंग का कहना है कि उसने इजरायल में रॉकेट लॉन्च किए हैं। इजरायल द्वारा गाजा को आपूर्ति बंद करने के बाद मलेशिया ने आपातकालीन निधि की घोषणा की है। मलेशिया के विदेश मंत्री जाम्बरी अब्दुल कादिर ने गाजा पट्टी में भोजन, पानी और ईंधन की कटौती करने में इजरायल के क्रूरता के अपमानजनक कृत्यों की आलोचना की है और कहा है कि मलेशिया फिलिस्तीनियों की मदद के लिए आपातकालीन निधि के रूप में 1 मिलियन रिंगगिट प्रदान करेगा। मिस्र से गाजा के बाहर गलियारे स्थापित करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। मिस्र का कहना है कि गाजा पट्टी के फिलिस्तीनियों के पलायन से फिलिस्तीनी मुद्दे पर गंभीर परिणाम होंगे। इजरायल का आक्रमण गाजा पट्टी को खाली करने की योजना का हिस्सा है। गाजा पट्टी में 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी फंसे हुए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इजरायल हमास को घायल करना चाहता है, लेकिन वो हमास को नष्ट नहीं करना चाहता। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने चेतावनी दी है कि बिजली आपूर्ति की कमी के कारण उपकरणों के काम करना बंद करने के बाद गाजा के अस्पताल कब्रिस्तान में तब्दील हो रहे हैं। तो वहीं ICRC 150 इजरायली नागरिकों को मुक्त कराने के लिए अपनी मदद की पेशकश कर रही है, जिन्हें हमास ने शनिवार को दक्षिणी इजरायल से किडनैप कर लिया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू हमास के हमले के लिए तैयार नहीं है, इस वजह से उन्हें बहुत बुरी चोट लगी है। गाजा के खान यूनिस में हमले से 18 शव निकाले गए हैं। मध्य पूर्व मुद्दों पर चीन के विशेष दूत झाई जून की गुरुवार को इजरायली अधिकारियों के साथ टेलीफोन पर बातचीत होने की उम्मीद है। चीन लगातार दोनों तरफ से युद्ध को रोकने का आह्वान कर रहा है। चिली, आयरलैंड, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थक रैलियां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।